फरमाइए सर, आज गुरु प्रोग्राम सातवां साल चल रहा है, तो आखिरी दिन है सर, आखिरी दिन है, तीसरा दिन है। सबसे पहले तो मैं रूबरू प्रोग्राम के जो कर्ता धर्ता हैं जनाब अतीक साहब को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, और ज़ैनब एजुकेशन ट्रस्ट के अराकीन और वहाँ उनके जितने भी मेंबर्स हैं जो इस पर लगे हुए हैं, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये जो प्रोग्राम जो दिलों को जोड़ने का और ख़ानदानों को जोड़ने का प्रोग्राम है, ये बहुत बहुत बड़ा काम है और कौम को इसकी बहुत ज़रूरत है। आज जिस तरह से एजेंट्स और जो वेबसाइट्स हैं जिस तरह से डाटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक अलग तरीके से हो रहा है। मैं रूबरू को एक और एक रूबरू के तहत मैं पेरेंट्स को पैगाम देना चाहूँगा कि ऐसे प्रोग्राम में आप जुड़ें, क्योंकि यहाँ पे सही काम किया जा रहा है। और डायरेक्ट आपको जो भी, जैसे अभी कोई डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर का डाटा रहेगा आप इनके पास, तो इन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को आप कांटेक्ट करें। डॉक्टर जो लड़कियां हैं, ठीक है, लड़कों का डाटा इनके पास है, डॉक्टर जो हैं जो अनभिज्ञ हैं उनका डाटा इनके पास है। तो ये कौम को जोड़ने का जो काम किया जा रहा है, दिलों को जोड़ने का, इसमें बहुत अहम रोल हमारे पेरेंट्स को करना है। और मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जो मस्जिद वन मूवमेंट जो अभी शुरू किया जाएगा, इसमें जो मस्जिद को एक दायरा बनाकर जो काम किया जा रहा है, जहाँ पे हर घर का डाटा रहेगा, उसमें भी आप जुड़ें और अपना जो फ़र्ज़ है वो फ़र्ज़ निभाकर, फ़र्ज़ समझकर इस प्रोग्राम में आप जुड़ें। तो ऐसे अभी रियासत कर्नाटक में ऐसे और भी प्रोग्राम्स मनद होना चाहिए आपके? ज़रूर, एवरी डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में। मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा था आतिक साहब को कि आप जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, अभी मैसूर में बहुत से ऑर्गेनाइजेशन हैं, हुबली में हैं इदारे हैं, अंजुमन है हुबली में, वैसे इदारों का आप ट्रेन करें ताकि वो हर माहाना ऐसे प्रोग्राम रखें। और मैं आतिक साहब से ये रिक्वेस्ट कर रहा था, जो आप एक साल में एक बार काम कर रहे हैं, एटलीस्ट तीन महीने में एक बार ऐसे एक जोड़ रखें जहाँ पे कौम के जो पेरेंट्स, कौम के जो ज़रूरतें हैं, वो इस प्रोग्राम में इस्तेमाल होंगी। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू।